हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोठी गीत ऑफिशियल चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बूंदी के लिए हमने ले लिया 1 कप बेसन और 1 कप से थोड़ी कम ले लिया चीनी। चीनी हम थोड़ा मीठा कम खाते हैं इसलिए थोड़ा कम यूज़ करें। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ले सकते हो। और हमने पानी ले लिया है और बूंदी के लिए जो कलर होता है वो ले लेते हैं। और अब हम इसको कर देते हैं, अब हम बैटर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर को हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जब हमारा मिक्स थोड़ा सा मिक्स होने लगे तब हम कलर भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी घुल जाए हमारे टेक्सचर में। हम ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं तो पीली बूंदी हमारी बनेगी। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है और हमने इसको 15 या 20 मिनट फैट लिया है। और अच्छे से फैट लेने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए न ज्यादा लूज है न ज्यादा टाइट है। तेल गर्म हो चुका है और अब हम बूंदी बना देते हैं। तेल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल ध्यान रखें। हमारी बूंदी पक चुकी है। कॉटन का कपड़ा लिया और हमने इसके ऊपर डाल दिया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वो निकल जाए। बूंदी बनाने के लिए एक स्पेशल झारा छोटा सा ले लो कोई भी। बूंदी को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अगर हमारा बैटर अच्छा होगा तो बूंदी ये गोल बनेगी, इस बात का खास ध्यान रखें। हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। Thank you.
बूंदी को तेल का तैयार कर लिया है और हमने पैन भी ऑन कर लिया चाशनी बनाने के लिए। हम खान ले लेंगे और जितनी हमारी चीनी है उतनी ही हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम अच्छे से हिला देंगे जो भी हमारी चीनी है वो पिघल जाए और इसको चाशनी बनने में 5-6 मिनट लग जाएंगे। हमारी चाशनी बनके तैयार है और इसे हमने 5-6 मिनट उबाल लिया है और इसको देखने का एक छोटा सा तरीका है। इसमें हमें 2 तार या 3 तार चाशनी नहीं बनानी, नॉर्मल चाशनी बनानी। एक टिपका डालेंगे और उसको सडनली वो हिलना नहीं चाहिए तो अच्छा है। पर थोड़ी सी थिंक है, बस इतनी ही रखनी है, पर तुरंत ना हिल जाए इसे। तो हमारी बन चुकी है चाशनी। अब गैस बंद कर देते हैं। अब हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हिलाएंगे। हमने सारी बूंदी जान ली है चाशनी और हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गर्म है इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा हिलाता है, हिलाते रहना है वरना हमारी चाय चिपक भी जा सकती है। ठंडा होने तक हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हिलाएंगे। हमारी बूंदी ठंडी हो चुकी थी, हमने प्लेट में ले लिया और ठंडी होने में 30 मिनट लग चुके थे और सेव के साथ सर्व किया है। आप घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए। आपकी बूंदी कैसी बनती है ये मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।